प्रातः क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968 गुरुवार को 8वें बीज के मध्यांत में बात चल रही थी। कि तुम बच्चे जो बातें सुनाते हो वो तो कोई सुना ही नहीं सकते। परंतु मदद उनको मिलती है जो है ऐसी बातें सुनाते हैं। परंतु ऐसे बहुत कम हैं। आगे चल करके तो और ऐसे कम होते जा रहे हैं। बहुत फंसी हुई है अपने घर में। तो यहां भी ऐसे हैं जो बहुत फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए? क्योंकि ज्ञान तो धारण कर ही नहीं सकते। आपस में ही देहधारी में बुद्धि फंसी रहती है। तो यहां भी ऐसे हैं, लोहे की जंजीरों से निकले सोने की जंजीर में फंसे हुए। तो बाप को तो क्या चाहिए? बाप को तो विजय माला में पिरोने के लिए चाहिए। ऐसा पिरोने के लिए ऐसी सर्विस करते रहे तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। क्योंकि याद करना पड़ता है ना, बच्चे भी याद करते हैं। और बच्चे जितना याद करते हैं, जितना जितना सर्विस के लायक बनते हैं, उतना ही बाबा उनको फिर मदद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, तो सेवा की फील्ड में चक्कर लगाना चाहिए। बाबा को तो देखो कितना तरस पड़ता है। ये बच्चा पुरानी दुनिया में आ गया, परम धाम क्या रहने वाला है? परम धाम के तो सभी रहने वाले, तुम भी आए हुए हो। परंतु इस पुरानी दुनिया में आते आते राज्य करते करते देखो तमो प्रधान बन गए। और फिर परम धाम से आना जाना चाहिए। वो कहां वहां सतयुग में आएगा, क्या करके करेगा? कि सदैव परम धाम का रहने वाला है ना, लंबे समय तक परम धाम में पड़ा हुआ है। वो है ही अभी जो आया हुआ है, वो आ करके करेगा। है ही पतित पावन। अब वो पावन दुनिया में आकर के क्या करेंगे? तो पतितों को पावन बनाने के लिए पतित दुनिया में आते हैं। कैसी पति दुनिया में? थोड़ी बहुत पति तो नहीं, पूरी पति दुनिया। इसलिए तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु
बुलाने वाले हैं वो अपन को पतित समझते थोड़े ही है। जब तक के बाप आकर के राजयोग न सिखा दे, तो बाप आकर के राजयोग सिखलाए रहे हैं तभी समझे कि हाँ कि हम पतित को पावन करने वाला हूं जैसे तुम समझते हो है? क्यों कहा हम पतित को पावन करने वाला? हम क्यों कहा, मैं क्यों नहीं कहा? क्योंकि निराकार को भी साकार तो चाहिए ना। तो बताया इस बात को तुम समझते हो, उन विचारों को तो पता ही नहीं है कुछ भी। और यहां तो बहुत समझने की बातें होती हैं और इसमें वातावरण भी जो ज्ञान का है वो भी वातावरण बनाना है, बाकी तो दुनिया भी वातावरण सारा बंद करना है। देखो दुनिया में तो कितनी अशांति लगी पड़ी है और यहां तो बिल्कुल शांत। जितना जो मनुष्य शांति में रहते हैं, याद में रहते हैं, वो ही उनके लिए अच्छा है। क्योंकि फिर भी तो याद की यात्रा में रहते हैं। अच्छा जो याद की यात्रा में रहते हैं तो उनको दूसरों को भी तो याद की यात्रा सिखलानी पड़े ना। ज्ञान है तो ज्ञान भी सिखलाना पड़े, याद की यात्रा में रहते हैं तो याद भी सिखलाना पड़े। तो वो याद की यात्रा तो सेकंड में समझा सकते हो, जहां भी बैठो वहां बैठ करके समझा सकते हो। बाकी ज्ञान की गहराइयों को समझाने में तो टाइम लग जाता है। बाकी बाबा की याद तो एक सेकंड में समझा सकते हो। जिसे याद में अगर वो समझ जाए है, फिर भी तो स्वर्ग में चले जाते हैं ना। तो बाप कहते हैं ट्रेन में भी तुमको कितने मिलते हैं। बाबा बोलते हैं ये तुम्हारे बैजेज है ना, है ये बैच से तुम त्रिलोकी के बादशाह बन जाते हो, विश्व के मालिक बन सकते हो। तो ट्रेन में भी बैठ करके कोई को है? क्या करो, बुद्ध रूपी पॉकेट में से ये बैच निकालो और समझाने लगो कौन सी ट्रेन में है? जो संकल्पों की ट्रेन चलती है ना, चलती है कि नहीं? हाँ, तो संकल्पों की ट्रेन में बैठे बैठे ही कोई को समझा सकते हो। लेकिन कब? मन बुद्धि एकाग्र होगी तो समझा सकेंगे, या बंदर बुद्धि होगी तो समझा सकेंगे हैं? हाँ, तो तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। ये एक बैज है इतना छोटा और इसमें इतना ज्ञान है, इन एक सेकंड का ज्ञान है बस। क्या समझाना है? ये बाबा है और ये इनका बेहद का वर्ष है। बैज को उलट के दिखा दो,
है? अरे ये तो तीन मूर्तियां रखी हैं, इनमें किसको को बाबा बताए रे? ये बाबा है, कौन बाबा है? तीन मूर्तियों में भी ऊपर निराकार ज्योति रखी हुई है। हाँ तो बताया, जिसको कहते ही है भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और उसका भी देव महादेव। तो बस ये बताना है, ये हमारा बेहद का बाबा है और इससे ये हमको बेहद का ये वर्षा मिलता है। एकदम ये वर्षा दिखाई देना चाहिए, समझा ना? और ये ऊपर में है शिव बाबा। अरे ऊपर में शिव बाबा है कि ऊपर में ज्योति दिखाई हुई है? क्या है? अरे हाँ, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं वो हाँ, उसकी बुद्धि, उसका मन कोई स्थूल देह में धरा रहता है क्या? क्या रूप बन जाता है वो? तो निराकारी स्टेज वाला ज्योति स्वरूप बन जाता है ना। जैसे सदा शिव ज्योति मैं हूं, शिव क्या है? सदा शिव है ना, सदा ज्योति है ना, के देह का जन्म लेता है नहीं लेता ना? तो ऐसे ही ये समझाना है कि तीन मूर्तियों में से जो एक मूर्ति है वो कैसी बन जाती इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, वो क्या बन जाती है? एक ज्योति बन जाती है, निराकार बन जाती है, निर्विकारी निरहंकारी बन जाती है। देखो वो ऊपर में रहने वाला है, ज्योति है। ज्योति ऊपर जाती है कि नीचे आती है? अग्नि की ज्योति होगी तो ऊपर जाएगी ना, तो ऊपर में है शिव बाबा और वर्षा नीचे है, वर्षा है। तो ये बाबा का ये वर्षा है राजाई का। देखो कितना समझाना सहज है, बाकी तो ज्ञान देना पड़ता है, घड़ी घड़ी ध्यान देना पड़ता है। पर बाबा को तो बन जावे पहले है, इसलिए बोला कि पहले त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाओ, बाबा का परिचय दो। जब तक बाबा बुद्धि में नहीं बैठता है, बैठा है, तब तक आगे समझाने से, ज्ञान का डिटेल समझाने से कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। तो फिर वो ज्ञान भी लेने के लिए तैयार हो जाए, तब जब उनकी बुद्धि में बैठेगा है ये किस बाबा की बात कर रही है? किस बाबा की? जिसके ऊपर कोई बाबा नहीं है। वो बापों का बाप भी है, बाबा में बाप है या नहीं है? आत्माओं का बाप भी है। तो भाई वो अच्छी तरह से ज्ञान लेंगे और बाबा से पढ़ाई पढ़ेंगे और बाबा को जानेंगे एक बार, तो फिर जानते ही रहेंगे है? और फिर जानते ही रहेंगे तो फिर याद भी करेंगे, और याद करेंगे तो तुम पवित्र हो जाएंगे। पवित्र होकर के कहां जाएंगे? पवित्र धाम में चले जाएंगे, मुक्ति धाम। अगर ज्ञान धारण करेंगे तो जीवन मुक्ति में जावेंगे। क्या ऐसे नहीं कि कोई ज्ञान धारण न करे पूरा और जीवन मुक्ति में चला जाए? किसका ज्ञान? आत्माओं के बाप का भी ज्ञान और मनुष्य सृष्टि के बाप का भी ज्ञान होना चाहिए। कैसे? दो दो का ज्ञान क्यों?
एक को याद करना है, माम एकम याद करना है कि दो दो को याद करना? अरे निराकार आत्मा साकार शरीर के बगैर कोई कार्य कर ही नहीं सकती। तो ये ज्ञान धारण करेंगे तो जीवन मुक्ति में आवेंगे। जीवन मुक्ति में आवेंगे तो जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति चाहिए कि जीवन ही न हो, तो जीवन मुक्ति की बात उठेगी? नहीं उठ सकती। जीवन मुक्ति स्वर्ग में भी आ जाएंगे। भी क्यों लगाई दिया है? जीवन मुक्ति के लिए स्वर्ग में भी आ जाएंगे, ऐसे क्यों बोला है? है? इसलिए बोला कि जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं पक्की होती हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, वो नारकीय दुनिया में भी जीवन में रहते रहते औरों के मुकाबले सदा जीवन में दुख दर्दों से मुक्त होकर रहती है कि बंधन में रहती हैं? कोई के बंधन में आती है? कोई के बंधन में आने वाली नहीं। कोई कितने भी आक्रमण करे बंधन में लेने के लिए, लेकिन क्या सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं, बंधन में आएंगे नहीं। तो ड्रामा में हम जानते हैं क्या बेहद का ड्रामा है ना, जिसने कल्प पहले समझा होगा, और जो कल्प पढ़ाई पढ़ते हैं, ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच पढ़ाई, वो ही उनको पढ़ाया जाता है, पढ़ाया भी गया है कल्प। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, पड़ सकता है? है? कोई फर्क नहीं पड़ सकता। देखो ये ज्ञान तुम रोज समझते हो, और समझने के लिए तुम रोज बैठते हो, जानते हो कि बस अभी हमारा ज्ञान पूरा हुआ कि हुआ भाई? कितना बजा? 7:30 बजा। अच्छा 7:30 बजे फिर कल्प पूरा होगा, फिर कल्प के बाद 7:30 बजे थे और हम ज्ञान सुनने वाले उसी समय फिर भी बैठे सुनेंगे। अभी घड़ी घड़ी ये घड़ी देखने की टेव पड़ जावे। क्या कौन सी घड़ी? बेहद ड्रामा की घड़ी कि ये स्थूल घड़ी है? हाँ, बेहद ड्रामा की जो घड़ी है ना, हाँ, इसकी टेव पड़ जावे, अभ्यास पकड़ पड़ जावे ये। चलो हाँ। अच्छा बच्ची टोली ले आओ। आज क्या है? आज भोग है ना, गुरुवार है ना, है? क्यों शुक्रवार को क्यों नहीं भोग लगाओगे? है कुछ पता है क्यों नहीं लगाओगे? कारण बताओ। कोई को कारण का पता है? पता ही नहीं। लो बूढ़ी माता लिखने जा रही, पता है इनको। हाँ शुक्रवार को नहीं लगाएंगे, सोमवार को नहीं लगाएंगे, मंगलवार को नहीं लगा, कोई बार को नहीं लगाएंगे, गुरुवार को भोग लगाएंगे। सत गुरुवार? अरे क्यों सत गुरुवार को भोग लगाएंगे? क्योंकि जो सतगुरु का पार्ट है ना, वो सतगुरु का जो पार्ट है, सच्चा गुरु है, गुरुओं का गुरु, जिसका कोई भी पढ़ाने वाला गुरु इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, उसको उसको कलपुर में भी भोग लगाया गया था, उसकी यादगार में गुरुवार को ही भोग लगाते हैं कि शुक्रवार को लगाते हैं?
नहीं? तो देखो, ये आज भोग का दिन है, परंतु ये जो जन्म जन्मांतर का है वो कहां से उनको मालूम पड़ेगा? वो सदगुरु जन्म जन्मांतर में तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं। कब प्रत्यक्ष होता है? जैसा को बड़े ते बड़ा भोग लगाया जाता है। कितना बड़ा है? कुछ पता नहीं। अरे कितना बड़ा भोग लगाया जाता है? कितना? धीरे धीरे लिखने, कोई को पता नहीं। अरे 16,000 का भोग लगाया जाता है कि थोड़े बहुत का? हाँ, तो पता लग जाए ये ही सदगुरु है। इससे ज्यादा भोगी और दुनिया में कोई है? हो सकता है? हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो वो जन्म जन्मांतर कोई को उसका पार्ट का पता नहीं लगता है। अब वो जन्म जन्मांतर में उनको कहां से पता पड़ेगा? वहां कोई बताने वाला आता है क्या? कब आता है? तो ये सारा बेहद का ड्रामा जब पूरा होने को होता है, तब कलयुग के अंत में और सतयुग का आदि जब होने वाला होता है तब ही आता है। तभी तो मालूम पड़ेगा है? कि और जन्मों में बीच में मालूम पड़ जाएगा? नहीं। तो कहती है ना कि इस जन्म में हमने ऐसे किया हुआ है, है? ऐसे किया हुआ, कैसे किया हुआ है? कहती हैं, कहता है नहीं है? कहती हैं, कौन कहती हैं? ऐसे किया हुआ, कैसे किया हुआ? फिर बोल गए। अरे वो 16,000 कहती हैं कि इस जन्म में हमने ऐसे किया हुआ है, है? और जन्मों में इतना संगठित होकर के किया क्या? नहीं किया ना। क्या किया? भगवान को भोग भोग लगाया। भोग तो इंद्रियों से ही खाया जाता है ना, है? नहीं। हाँ, तो जरूर आगे जन्म में भी किया होगा। कल्प कल्प हमारा ये पार्ट है क्या, कि जब जब भगवान इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो हम ही भोग लगाते हैं, लगाती हैं। आगे जन्म में भी किया होगा ना। अब वो हम कैसे बताएं? अगले जन्म का तो याद याद रहता ही नहीं। पर ये तो एक जन्म का हुआ ना, हल्का है याद करना। बाकी इतने जन्म का उसमें योग चाहिए। क्या क्या कहा है? जो भी जन्म लिए हैं पूर्व जन्मों में, 84 जन्म लिए ना, तो जिन्होंने उस आत्मा के साथ, सदगुरु का पार्ट बजाने वाली आत्मा के साथ ज्यादा भोग लगाया होगा तो वो पहले नंबर में आएगा कि कोई दूसरा आ जाएगा? है? वो ही पहले आएगा, फिर बाद में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, तो इतने जन्म का उसमें योग चाहिए। हाँ, ये जो हल्काई बाबा करते हैं ना कि भाई तुम लिख करके दो इस जन्म की बात, क्या लिख करके दो कि भाई हल्काई हो जाए। कैसे? जो अंदर कचड़ा भरा हुआ है ना, तो दूसरों को तो बता ही नहीं सकते, तो बाबा को बताएंगे तो तुम हल्के हो जाएंगे। पर इतने जन्म में तुमने जो पाप किया है वो कैसे लिखेंगे? राम रावण के राज से लेकर के ही ये 5 विकारों के पाप शुरू होते हैं। अब वो तो याद नहीं पड़ते।
तो कैसे बताएंगे जो हल्के हो गए है? तो इस आखिरी जन्म में तुमको पता पड़ सकता है क्या कि हमारी बुद्धि औरों की तरफ तो नहीं जाती है? अगर जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व जन्म में हमने उनके साथ कोई संबंध संपर्क संसर्ग जोड़ा है, तो उनकी तरफ हमारी बुद्धि ज्यादा जा रही है। तो बाबा ने बताया तरीका कि वो पिछले जन्म की बात हम कैसे बता रहे, ऐसे बताओ मनन चिंतन मंथन करके बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से टेंडी करके बताओ। ओम शांति।